हेलो डियर लर्नर्स, आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। देखो, बहुत ज्यादा बार ऐसा होता है ना कि हमें गालियां देना पड़ जाता है। ओहो, मैं क्या बता रहा हूँ, गालियां। देखो भाई, आपको कई बार गालियां देना पड़ जाता है। तो गालियां ऐसी होती है कि आप हिंदी में देते हो तो लोगों को बहुत जल्दी समझ में आता है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि हमें गालियां अगर इंग्लिश में कोई दे रहा है तो हमें भी तो समझ में आना चाहिए कि गालियां इंग्लिश में कैसी कैसी होती है। तो देखो, कुछ कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ। एक्चुअली गालियां नहीं है, ये एक्चुअली रूडली वर्ड्स हो सकते हैं, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो चलिए समझते हैं ना कैसे। तो आप लोग जैसे बोलते हो गुंडा, जैसे आप बोलते हो ना कई बार, क्या तुम तो एक नंबर के ना गुंडे हो, तो आपने बोला गुंडा। ओके, गुंडा के लिए एक वर्ड यूज करते हो आप, गुन। क्या यूज करते हो? गुन। गुन मतलब गुंडा। अगर आपने बोला गली का गुंडा, गली का गुंडा। अब देखो, गुंडा एक होता है जो मारता है, जैसे आप बोलते हो ना अमरीश पुरी यूज टू प्ले रोल ऑफ गुन इन मूवीज। ओके, गली के गुंडे को आप बोलते हो लॉट। लॉट मतलब होता है गली का गुंडा। लॉट मतलब क्या होता है? गली का गुंडा। ओके, जैसे आप बोलते हो ना यार तुम तो गवार हो, एक नंबर के गवार। ठीक है, गवार सुना होगा आपने, एक वर्ड लड़कियां ज्यादातर बोलती हैं कि तुम तो ना एक नंबर के गवार हो। क्या हो आप? एक नंबर के गवार हो। गवार, गवार को क्या बोलते हो? रस्टिक। क्या बोलते हैं हम लोग? रस्टिक। जैसे लड़कियां बोलती हैं योर ऑल फ्रेंड्स आर रस्टिक, तुम्हारे ना सारे दोस्त कैसे हैं? गवार हैं। तो लड़कियों को मुझसे आपने ये जरूर सुना होगा ये वाला सेंटेंस, योर ऑल फ्रेंड्स आर रस्टिक। आपके सारे दोस्त कैसे हैं? रस्टिक हैं, गवार हैं, एक नंबर के। योर ऑल फ्रेंड्स आर रस्टिक। रस्टिक मीन गवार। रस्टिक मीन क्या होता है? गवार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट होता है धोखेबाज या धुर्त। आप बोलते हो ना धोखेबाज, या आप क्या बोलते हो? धुर्त भी बोल देते हो, या आप बोलते हो धुर्त, धोखा देने वाला। उसको बोलते हो आप लोग रास्कल। क्या बोलते हो? रास्कल। रास्कल मतलब होता है धुर्त। रास्कल मतलब क्या होता है? धुर्त होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखो, जब कोई लूटपाट कर लेता है, जैसे कोई लूटता है ना, लूटना, आपने सुना होगा लूटना एक वर्ड आता है। लूटना की इंग्लिश क्या होती है? रॉब। क्या होता है? रॉब। रॉबरी सुना होगा आपने, रॉबरिंग हो जाती है। रॉब मतलब लूटना। कोई कुछ चीर फाड़ कर देता है, जैसे फाड़ना। फाड़ना, फाड़ना के लिए एक वर्ड आता है टियर। टियर मतलब होता है फाड़ना। टियर मतलब क्या होता है? फाड़ना। कई बार आपने देखा होगा कोई क्या बोलते हैं, तू मेरा चेला है, शिष्य बनाना। शिष्य बनाना, शिष्य बनाने का इंग्लिश होता है पिपल। क्या होता है? पिपल। पिपल मतलब होता है शिष्य बनाना। क्या होता है? शिष्य बनाना। चिढ़ाना, जब का इसी को आप चिढ़ाते हैं, चिढ़ाना को क्या बोलते हैं हम लोग? एनॉय। क्या बोलते हैं हम लोग? एनॉय कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? एनॉय कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी आप लोगों को। एनॉय, एनॉय मतलब चिढ़ाना। ठीक, जैसे आपने कहावत सुना होगा, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा। इसको आप बोल सकते हो अ फिगर अमंग सैपर्स। सैपर्स, ओके। अ फिगर अमंग सैपर्स, ओके। बेवकूफ, बेवकूफ बोलते हैं, इडियट। ओके, जैसे पागल बोलते हैं, पागल, मैड, या बोलते हैं क्रेजी। तुम क्रेजी हो गया यार पूरे। जैसे आपने सुना होगा भुक्कड़। भुक्कड़ एक गाली देते हैं लोग, भुक्कड़ यानी कि ग्लूटन। क्या होता है? ग्लूटन। ग्लूटन मतलब भुक्कड़। ग्लूटन में क्या होता है? भुक्कड़। तुम ग्लूटन हो क्या पूरे के पूरे? ग्लूटन यानी भुक्कड़, तुम पूरे के पूरे भुक्कड़ हो क्या? ऐसे तो इतना कॉमन है। देखते हैं हमने क्या क्या बताया आपको। देखो, मैंने आपको गालियां बताया, तो आपको जैसे कोई कुछ बोलता है गुंडा, तो उसको बोलेंगे गुन। गली का गुंडा लॉट। गवार रस्टिक, योर ऑल फ्रेंड्स आर रस्टिक। ओके, धोखेबाज धुर्त। हे लिटिल रास्कल बॉय कम हियर, ऐसे। हे लिटिल रास्कल बॉय प्लीज कम हियर। लूटना यानी कि रॉबरिंग करना, रॉबरिंग करना। फाड़ना टियर। शिष्य बनाना किसी को पीपल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपल कहते हैं। चिढ़ाना एनॉय। अंधों में काना राजा, फिगर अमंग सफर्स। ओके, पागल, मैड या क्रेजी। भुक्कड़, ग्लूटन। ग्लूटन मतलब होता है भुक्कड़। ग्लूटन मतलब क्या होता है? भुक्कड़। ओके, आई होप कि आप लोगों को इतने वर्ड समझ आए होंगे। सो लेट्स लर्न इंग्लिश एंड फॉलो अस ऑन यूट्यूब। ओके, लव यू।